सभी को नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स विद उर्मिला। आज मैं आप लोगों के साथ इजी, हेल्दी और टेस्टी लौकी की पनीर वाली सब्जी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बिल्कुल पनीर जैसा ही दिखता है। देखिए, 250 ग्राम लौकी मैंने यहाँ लिया है, उसे अच्छे से वाश कर लिया है और पील करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और हाफ कप मूंग दाल लिया है, इसे अच्छे से भिंगो कर वाश करके भिंगो लिया है और पानी निकाल लिया है। अब यहाँ मैं ग्राइंडर में लौकी, मूंग दाल, हरी मिर्च, एक हरी मिर्च और 3 लहसुन की कली, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा, सभी को डालकर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, ऐसा थिकनेस होना चाहिए। इसमें पहले पानी नहीं डालेंगे, यदि ज़रूरत पड़े तभी पानी डालेंगे। यहाँ मैं हाफ स्पून सॉल्ट डाल दे रही हूँ और हाफ पिंच सोडा डाल दे रही हूँ। सोडा आप स्किप भी कर सकते हैं। सभी को मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं एक प्याज, एक टमाटर, 2 हरी मिर्च और अदरक ली हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इस कढ़ाई में रख दे रही हूँ। कढ़ाई में मैंने 1 ग्लास पानी डाला है। अब प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्राइंड किए हुए लौकी के पेस्ट को डाल दूंगी और टमाटर वाले प्याली पर रख दूंगी और इसमें ढक्कन लगाकर 5 मिनट पकने दूंगी। 5 मिनट हो जाने पर टमाटर पका है या नहीं ये देखना है। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं देख लेती हूँ टमाटर पका है या नहीं। देखिए, ये भी अभी थोड़ा सा बाकी है तो और भी इसे 5 मिनट पका लूँगी। देखिए, टमाटर बहुत अच्छा सा बॉयल हो चुका है, अब इसे निकाल ले रही हूँ। लौकी की पनीर बनाने से पहले चेक कर देख लेना है कि कड़वी तो नहीं है। लौकी बहुत ही सॉफ्ट वाली लेनी है, बीज वाली नहीं। बीज यदि हो तो बीज को निकाल कर तभी ग्राइंड करनी है। अब यहाँ मैं प्लेट को रख दे रही हूँ। एक प्लेट या कोई भी जाली हो उस पर ही रखना है। और अभी देखिए, ये 5 मिनट पकते हुए हो चुके हैं, ये बहुत अच्छा से पक चुका है। अब गैस बंद कर दे रही हूँ और जब ये ठंडा हो जाए तब इसे, इसके पीसेस को कट करनी है। देखिए, अब ये ठंडा हो चुका है, इसके पीसेस को अब कट कर ले रही हूँ। देखिए, बहुत अच्छा सा बना है। आप इसे अपने पसंद के अनुसार काट सकते हैं। मैं यहाँ स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। ना यहाँ मैंने दूध डाला है और ना ही मिल्क पाउडर डाला है। बिल्कुल सस्ती पनीर बनकर तैयार है। लौकी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और उसी हिसाब से मूंग दाल भी लेनी है। देखिए, बिल्कुल पनीर जैसा दिख रहा है। इसे आप फ्राई भी करके डाल सकते हैं। पीसेस यहाँ मैं कट कर ली हूँ। इसे आप चावल का आटा, दही, मैदा, बेसन डालकर भी बना सकते हैं, पर बेसन डालने से वो कोफ्ता का स्वाद आ जाता है। मैं यहाँ मूंग दाल डालकर बना रही हूँ। मूंग दाल से बहुत ही अच्छा लौकी का पनीर बनता है। ये बहुत ही हेल्दी पनीर है, इसे बच्चे बड़े सभी बहुत ही शौक से खाएंगे। प्याज, हरी मिर्च, अदरक सभी को मैंने साथ में बॉयल किया जिससे जल बन जाए। आप इसे अलग भी बॉयल कर सकते हैं या कच्चे मसाला भी ग्राइंड करके मसाला बना सकते हैं। अब इसे मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। देखिए, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब सब्जी बनाने चलते हैं। पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल दे रही हूँ। गर्म होने पर जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची डाल दूँगी। इलायची थोड़ा सा उसका छिलका तोड़ कर डालना है। गर्म मसाले आप स्किप भी कर सकते हैं। कड़कने के बाद प्याज वाले पेस्ट को डालकर लगातार चलाते हुए भून लूँगी। फ्लेम अभी मैंने फुल ही रखा है। अब मैं यहाँ हल्दी डाल दे रही हूँ और सब्जी मसाला 1 चम्मच, जिसमें जीरा, धनिया और ब्लैक पेपर है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब फ्लेम मैं मीडियम टू स्लो कर दे रही हूँ और उसमें अच्छे से भून लूँगी। देखिए, ये करीब भुन चुका है। अब मैं यहाँ हाफ चम्मच कसूरी मेथी
और 1 पिंच हींग डाल दे रही हूँ और स्वादानुसार नमक डालकर मिक्स कर ले रही हूँ। पनीर में भी मैंने नमक डाला था, मसाला अच्छा से भून चुका है। अब मैं यहाँ 1 ग्लास पानी डाल दूँगी क्योंकि मसाला अच्छा से पक जाए। अभी मैंने फ्लेम फुल रखा है, बॉयल आने पर मीडियम कर दूँगी। इसमें आप चाहें तो ग्रेवी में दही भी डाल सकते हैं। इसे बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत ही पसंद करते हैं। इस तरह से बनाई गई पनीर की सब्ज़ी यानी लौकी की सब्ज़ी। मैं ढक्कन लगाकर 2 मिनट से पकने दूंगी। 2 मिनट हो गए हैं, अब यहाँ मैं पनीर के पीसेस को डाल दूंगी। पनीर को मैं यहाँ 2 भाग कर दी हूँ। 2 मिनट इसे भी पका लूँगी। 1 स्पून ऑयल में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाता है, जिससे ग्रेवी पनीर में अच्छे से चली जाए। आप चाहें तो गाढ़ी ग्रेवी भी रख सकते हैं, मैं थोड़ी पतली ही रखी हूँ। 5 से 6 मिनट मैंने मसालों को भूना है, ढक्कन लगाकर पकने दे रही हूँ। 2 मिनट इसे पकानी है। यहाँ देखिए, ये बहुत ही गाढ़ी हो गई थी तो मैंने यहाँ थोड़ा पानी और डाल दिया है, 1/2 कप। अब इसे पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। लौकी की पनीर वाली सब्जी बनकर तैयार है, अब प्लेट में निकाल ले रही हूँ। पनीर ग्रेवी तैयार होने के बाद ही डालनी है, पहले नहीं डालनी है, और कसूरी मेथी भी ज़रूर डालनी है। बहुत ही ये यम्मी सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब इसे मैं मिर्ची और धनिया पत्ती से डेकोरेट कर दे रही हूँ। देखिए, मैंने इसे तोड़कर भी दिखाया है, बिल्कुल अंदर पनीर की तरह वाइट ही है। पनीर को ग्रेवी में बहुत देर नहीं पकानी है। मैं यहाँ धनिया भी स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मुंह में घुलने वाली पनीर बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, पराठा, चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। पनीर को आप स्नैक्स की तरह भी एंजॉय कर सकते हैं। हेल्दी पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। अब आप भी इसे इसी ट्रिक से ज़रूर बनाइए, और अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है, जिससे मुझे पता चले कि मैं कैसे बनाती हूँ। अब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।